गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। द टर्म अल्कोहल ओरिजिनली रेफर्ड टू द प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल which is used as a drug and is the main alcohol present in alcoholic beverages. Alcohol ka general formula CnH2n plus 1 OH hota hai. Alcohol ko primary, secondary aur tertiary alcohol mein classify kiya gaya hai and it is based upon the number of carbon atoms connected to the carbon atom that bears the hydroxyl functional group. Some of the monohydric alcohols are methanol, ethanol, propanol, butanol, etc. These alcohols are found in nature and ethanol is the most prominent because it is the product of fermentation and it is found in a major amount. The other simple alcohols आर फॉर्म इन ओनली ट्रेस अमाउंट्स। अल्कोहल के तीन मेजर क्लासेस है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल का यदि स्ट्रक्चर देखते हैं आर ओ एच और इसका जो बॉन्ड एंगल है आर ओ एच का वो है 109 डिग्री। अल्कोहल में ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अल्कोहल में ये हाइड्रोजन सक्रिय होता है जिसे किसी धातु या प्रबल क्षार द्वारा हटाया जा सकता है। यदि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की क्रियाशीलता देखें तो प्राइमरी की क्रियाशीलता सेकेंडरी और टर्शरी से अधिक होती है और टर्शरी के सबसे कम। अल्कोहल के जो नेमिंग है या नॉमेनक्लेचर यदि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का करते हैं तो उसके तीन सिस्टम है। पहला है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में अल्कोहल को हम एल्काइल अल्कोहल कहते हैं। एल्काइल ग्रुप के साथ किसी भी अल्कोहल का नाम हम एल्काइल ग्रुप जिस भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम उसी से ही हम बोलते हैं। जैसे कि CH3OH एक मिथाइल ग्रुप OH के साथ जुड़ा हुआ है तो मिथाइल अल्कोहल, OH को अल्कोहल बोलेंगे और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मिथाइल अल्कोहल। यदि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो इथाइल अल्कोहल। दूसरा सिस्टम है कार्बिनॉल सिस्टम। इस सिस्टम में मिथाइल अल्कोहल को कार्बिनॉल कहते हैं और जब ये ग्रुप किसी भी एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम एल्काइल एराइल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कार्बिनॉल कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH इसको हम मिथाइल कार्बिनॉल कहेंगे और उसी प्रकार CH3CH2CH2OH को इथाइल कार्बिनॉल कहेंगे। IUPAC सिस्टम में अल्कोहल्स को एल्केनॉल्स कहते हैं और अल्कोहल का नाम जो है एल्केन के नाम के ई हटा के उसके ई हटा के ओल लग जाता है। जैसे मीथेन है तो ई हट के मीथेनॉल हो जाएगा CH3OH के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल्स में OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, O जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके कारण अल्कोहल्स पोलर इन नेचर होता है। अल्कोहल पोलर इन नेचर या ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण जो है इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर much higher than the comparable hydrocarbons and ethers. For example, the boiling point of alcohol ethanol is 78.29 degree centigrade compared to 69 degree centigrade and for the hydrocarbon hexane
एंड 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर डाइथाइल ईथर। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ब्यूटेनॉल जो कि 4 कार्बन चेन का होता है वो मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, और आगे के या हायर अल्कोहल्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एल्कीन और वाटर के साथ रिएक्शन, एल्कीन का वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हमें अल्कोहल मिलता है, या सिंपली वाटर जो है एल्कीन के साथ जुड़ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, ये एल्कीन मॉलिक्यूल है। वाटर जो है ये इस कार्बन एटम पे रिएक्ट करता है और ये OH2 इसके साथ जुड़ जाता है। ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, ये तुरंत यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकाल देगा और हमें ये अल्कोहल मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्कीन, एल्कीन का रिएक्शन जब हम बोरेन के साथ करते हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है, और फर्दर इसका रिएक्शन जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड और अल्कली के प्रेजेंस में करेंगे तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन कहा जाता है, क्योंकि पहले बोरेन का एडिशन होता है और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और ये मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में, पहले रिएक्शन में मर्क्यूरेशन होता है, या मर्क्यूरिक एसीटेट जो है एल्कीन के साथ जुड़ता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है, और दूसरे स्टेप में ये मर्क्यूरिक एसीटेट बाहर निकल जाता है, इसलिए इस स्टेप को डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन कहा जाता है। पहले रिएक्शन में ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और दूसरे स्टेप में ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में और NOH ये अल्कली के प्रेजेंस में हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब कीटोन का सेम रिएक्शन करते हैं, इसके अंदर कैटलिस्ट हम डिफरेंट ले लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हम एल्कीन के साथ भी जब रिएक्ट करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन हम यदि इपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। जब एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड मॉलिक्यूल है, तब जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगे तो जो नेगेटिव हाइड्रोजन है वो लेस एल्काइलेटेड कार्बन एटम को रिएक्ट करेगा, और इस तरह से हमें जो है ये प्रोडक्ट अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और एस्टर को यदि हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तब भी हम एस्टर को, जब हम अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और हमें अल्कोहल मिलता है। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम कार्बोनिल